कि जब कई फिल्में नहीं चलती हैं उसके बाद अगर हीरोइन के पास ले जाया जाता है कि सर देखो ये हीरो है हमारा और आप इसमें हीरोइन है, तो थोड़ी हेजिटेशन, थोड़ा हिचकिचाहट नहीं होती? बिल्कुल नहीं. उससे पहले, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट देखा जाता है. स्टोरी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे, और एक नई पेयरिंग थी प्रभु सर के साथ काम करने का मौका. नहीं, पर उसके कुछ फिल्में फ्लॉप थी, तो मैं क्या करूं? तो आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा यार क्यों काम करूं इसके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता तो नहीं करती, बट किया. क्या बात है, और बहुत अच्छा लग रही है आप भाई. एनीवन, मैं रेडियो आदमी हूं यार, 6 घंटे पूछता रहूंगा, मेरा क्या 6 दिन पूछ सकता हूं. सोनाक्षी, हाय. हाय हाय सोनाक्षी, जब कोई आपके वेट के ऊपर कमेंट करता है तो आप कैसे रिएक्ट करती है, कैसे लेती है? मैं रिएक्ट ही नहीं करती, अब तो ट्रेलर में भी डाल दिया, जो बोलना है बोल लो. वही पूछना था ट्रेलर सर, आपसे पूछना था कि ट्रेलर पे ये जानबूझ के डाला गया या ऑलरेडी एडिट था? या आई थिंक एक जब कास्टिंग हुई थी तब शायद बहुत लोगों ने सोचा था ये थोड़ी सी अजीब पेयरिंग है, बट व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, व्हेन वी शॉट द सॉन्ग्स, व्हेन वी शॉट द सीन्स, सबको बहुत बहुत पसंद आई ये पेयरिंग. एंड कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ना मैच करते हुए मैच हो जाती है. सो जस्ट टू ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द केमिस्ट्री दैट वी शेयर ऑन स्क्रीन, दैट सीन वॉज created, and I think it's really, really cute. No, nothing like that. पूछ लो यार, ऐसी आवाज़ बुलाने, डोंट वरी, मेरी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर है इस कारण से मैं माइक यूज़ करता हूँ. या व्हाट्स योर टेक ऑन दिस टुवर्ड्स द एक्शन? Actually, more of the emotion only will take, because the action happens in our film for a reason. We are trying our best, as you say, because people are daily seeing more action films nowadays. We tried, and more than that, why the action happens is the main thing. So that if it feels like a thanks for it, but I must thank my stunt director Ravi Verman. Sonakshi, have you fought in this film, or just Shahid? Have you fought in this film? हाँ, पहले ट्रेलर में नहीं देखा मैंने, बोतलें फोड़ी है लोगों के सर पे मैंने ही. बोतलें फोड़ी है लोगों के सर पे और छतरियां से मारी हैं. वैसे आपको देख के आज बहुत मन कर रहा है आप पे ट्राई करूं, बट बिल्कुल आप कर सकते हैं. आजू बाजू है नहीं कुछ. जी जी बिल्कुल. लेकिन फिल्म सेट पे कौन ऐसा आर्टिस्ट था जिसको पर इच्छा थी कि मतलब फोड़ी दूं, बहुत हो गया? नहीं, ऐसे सेट पर तो कोई नहीं था. आई थिंक हमें ये पिक्चर बनाते वक्त बहुत मजा आया, पूरी यूनिट बहुत एक दूसरे से मिल जुल चुकी थी. वी गॉट अलोंग वेरी वेल विद ईच अदर, एवरीवन. सोनाक्षी, सुनो, आपसे सवाल है कि अब लगता है कि विलन बनना भी अब फायदेमंद हो गया, क्योंकि अब सब कुछ मिलने करने को मिलता है. हमने आपकी लास्ट फिल्म भी देखी, उसमें भी आपका एक डांस था जो कि फनी गाने पे फनी डांस था. इसमें भी हमने देखा कि विलन डांस भी कर रहा है, कद्दू कटेगा और बांट भी रहा है, तो अब विलन बनना भी फायदे का सौदा? I feel, you know, अभी वो terms रह गए हैं कि villain है, hero है. I think important roles हैं, when especially when you work with a director like Prabhu Deva sir. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्रभु सर ऐसे director हैं जो मुझे लगता है कि audience में बैठ के film सोचते हैं, कि जैसे आप film देखने जाते हैं तो जो आप देखना चाहते हैं वो वैसा ही ये shoot करते हैं. इनको पता है कि यार audience को सोचने का मौका नहीं देना, उन्हें bore होने का मौका नहीं देना. हर एक frame ऐसा बनाना है कि हर चीज़ entertaining हो, कि अगर पॉजिटिव कैरेक्टर है वो भी वैसे ही एंटरटेन कर रहा है, और नेगेटिव है वो भी वैसे ही एंटरटेन कर रहा है. सो आई थिंक जैसे जैसे टिकटों के दाम बढ़ते गए हैं थिएटर्स में, वैसे वैसे हमारे पास कमाल के डायरेक्टर प्रभु सर जैसे आते गए हैं कि उन्होंने उतने ही दाम को वैसे ही एंटरटेनमेंट जो है प्रदान किया है. सुनो, आपने ये नहीं सोचा कभी कि अब चलो हीरो ही बन जाते, थोड़ा पर्दे पे रोमांस कर लिया जाए? अरे करा इन्होंने यार, ऐसा क्या बोल रहे हो, बहुत किया इन्होंने रोमांस. नहीं नहीं, अरे हैप्पी न्यू ईयर में देख लेंगे आप मुझे. क्या बात है। अच्छा ससुर भैया, तो बताऊं कि एक जमाने में जो विलेन हुआ करते थे वो सिर्फ देखा करते थे डांस करते हुए, नाचो ओ अमरीश पुरी भी करते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि उनकी आत्मा में अब डांस करने की बारी आ गई, तो इसलिए अब के विलेन जो होते हैं वो खुद डांस करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? 21वीं सदी आगे बढ़ रही है. बिल्कुल, काफी आगे बढ़ गए एक्चुअली. सोनाक्षी, ओ या
Sonakshi, you debut, your Sonu was the first in your first film. So what sort of changes you feel him as an actor, particularly, and to Sonu also, Sonu, as an actress, what sort of changes you feel in Sonakshi? You start. मेरी पहली दफ़ा जब सोनाक्षी से मुलाकात हुई थी जिम के अंदर हुई थी ट्रू फिटनेस में वी यूज टू वर्कआउट टुगेदर एंड आई कुड सी दिस वेरी वेरी यू नो डेडिकेटेड गर्ल जो खूब मेहनत करती थी और फिर हमारी शूटिंग होने वाली थी दबंग की और मुझे इनको देखकर कभी लगा ही नहीं कि इनकी पहली फिल्म ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से फिल्म करती आई हैं और बहुत ही सीजनड एक्टर हैं और एक्चुअली ये नहीं कि यू नो जब एक पोडियम पे सब एक्टर्स बैठते हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि बड़े डेडिकेटेड थे बहुत मेहनत की बट एक्चुअली जनरली स्पीकिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया सभी अच्छे हैं बट आई थिंक सोनाक्षी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल और सबसे कमाल की एक्ट्रेस आई थिंक जो भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर इनके साथ काम करता है या फिर एक्टर मुझे नहीं लगता कि किसी समय किसी तरह की कोई कंप्लेंट इनसे होती होगी आई थिंक a pleasure to have her on the set by any producer or director dekho bhai itni script di gayi thi thank you so sweet bahut tareef ho gayi ab I can't handle it with sonu of course meri pehli film thi aur sab jante the ki ye already ek bahut hi manje bhai actor hai to from then on I'm too little to comment on his acting abilities but as a person I think he's the same he's as humble as ever and he's very very sweet very accommodating as an actor co-actor as well so he's only grown as a person and I believe as an actor as well little bit as in the, from what I've seen of his kya baat aur thodi si 1 inch aadhi inch height bhi badi hai aur thode se baal kam ho gaye hain हाँ और ये बहुत लंबे है मतलब ये एक एक्टर है जिनको मैं ऐसे देखती हूँ सोनाक्षी ऐसा सुनने में आया है कि जैसे दीपिका पादुकोण जो है जो फिल्मों की प्रॉफिट होती है वो भी शेयर कर रही हैं अच्छा? तो इस फिल्म का गाना भी ऐसा है कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा तो क्या ये सवाल इनको इनको देखिए विकी सर ऐसा है कि सब एक्टर बहुत अच्छे हैं बाटो बाटो वी आर ऑल वन फैमिली ओनली सो इट्स फाइन ये याद रखूंगी आ जाऊंगी जब कनेक्शन ये वीडियो रिकॉर्डिंग ले जाओ सोनाक्षी साथ में प्रूफ थैंक यू और कुछ सोनाक्षी एक सवाल है कि ये पूछना था हमें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अवार्ड मिलते हैं सेलिब्रिटीज को जैसे लता जी को मिला तो क्या उन्हें गवर्नमेंट के पास राइट्स होना चाहिए कि उन्हें वापस ले लें ऐसा कुछ I'm sorry, क्या मैंने बोला कि जो भारत रत्न या पद्म भूषण जो भी अवार्ड मिलते हैं सेलिब्रिटीज को तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या गवर्नमेंट को ये हक होना चाहिए कि वो वापस भी ले लें ऐसा क्यों अभी जैसे लता जी के साथ हुआ उनकी अवार्ड जो है उनको वापस लेने की बात कही गई है गवर्नमेंट वापस लेने मुझे ये बात का पता लता नहीं जी है ने एक इवेंट में मोदी जी की तारीफ कर दी थी तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि क्या बोलते हैं अगर वो मोदी की तारीफ करेंगी तो हम कांग्रेस सरकार ने दिया है उनको अवार्ड तो हम वापस ले लेंगे जितने भी पद्म भूषण या भारत वो दिए हैं इसलिए शुड नॉट बी अलाउड ओके थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फोटो हाँ फोटो फोटो फोटो